हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एन एम सिद्दीकी। मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झाबुआ और अलीराजपुर के बारे में। झाबुआ और अलीराजपुर मध्य प्रदेश राज्य के जिला मुख्यालय हैं और यह जगह भील जनजाति का भगोरिया पर्व और कड़कनाथ मुर्गे की खासियतों के लिए देश विदेश में काफ़ी प्रसिद्ध तो है ही, यहाँ पर कुछ खास पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे हम इन्हीं स्थलों के बारे में। पहला है कट्टीवाड़ा। यह अलीराजपुर से 45 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। कट्टीवाड़ा बहुत ही सुंदर एवं रमणीय गांव है जो विंध्य श्रृंखला के तल पर बसा हुआ है। यहां अलीराजपुर और झाबुआ के अन्य स्थानों से अधिक बारिश होती है। यहां पर एक झरना है जो काफ़ी सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। काफ़ी लोग यह प्राकृतिक नज़ारा देखने और झरने में स्नान करने यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ डूंगरी माता मंदिर, हनुमान मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ कट्टीवाड़ा में नूरजहाँ प्रजाति का आम होता है जो 2 किलो से लेकर 5 किलो तक का हो सकता है। इस आम की मांग इतनी ज़्यादा होती है कि एक आम की कीमत 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का एक आम बिक जाता है। आम खाने के शौकीन लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। अगला है देवझिरी। झाबुआ से लगभग 8 किलोमीटर दूर अहमदाबाद इंदौर रोड पर सुनार नदी के किनारे यह स्थित है। यह जगह शिव जी के एक प्राचीन मंदिर और एक झीर यानी जल स्रोत के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक समाधि भी है। श्रावण मास में कांवड़ यात्री यहाँ से जल भरते हैं और महाशिवरात्रि में एक मेले का आयोजन भी होता है। अगला है राम शरणम। बड़े तालाब के समीप राम शरणम का विशाल भवन झाबुआ जिले के साथ ही पूरे प्रदेश में आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह भवन 7000 वर्ग फीट में बना हुआ है। यह 3 मंजिला भवन बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। यहाँ की हरियाली और तालाब इस भवन की सुंदरता को और भी बढ़ा देती हैं। अगला है हनुमान टेकरी। झाबुआ में एक टेकरी पर हनुमान मंदिर स्थित है जो लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर भूमितल से लगभग 70 या 80 फुट ऊंची पहाड़ी या टेकरी पर स्थित है। यहां से झाबुआ शहर का अद्भुत नज़ारा भी देखा जा सकता है। अगला है मोहनकोट गांव। झाबुआ के पेटलाबाद से दक्षिण दिशा में लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर मोहनकोट गाँव स्थित है। यहाँ पर एक मंदिर है जो कि नंदेरी माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर एक छोटी सी घाटी पर खुले मैदान में है जो कि लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिर खुले में होने के बावजूद भी कोई चोरी नहीं होती है। भक्तों का इस मंदिर पर और यहाँ की परंपराओं पर अटूट विश्वास है। अगला है देवल शिव मंदिर। रानापुर से लगभग 12 किलोमीटर और झाबुआ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर यह पुरातन शिव मंदिर स्थित है। आसपास के लोग इसे देवल फलिया शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर पर गणेश जी, विष्णु जी व कई देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 1100 साल पुराना है। अगला है लखमणी ग्राम। अलीराजपुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूर कुछी रोड पर स्थित यह सूकर नदी के किनारे बसा है। गांव अपने जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जिनमें सफ़ेद संगमरमर और काले संगमरमर की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहां कुछ हिंदू मंदिरों का भी पता चला है जो 10वीं और 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।